महाराष्ट्र डे की बात करें, महाराष्ट्र डे जो कि 1 मई 1960 को आता है, फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र का, उसी को हम कह सकते हैं 1 मई को महाराष्ट्र डे के रूप में मनाते हैं। कैपिटल मुंबई है एंड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर की बात करें, सी विद्यासागर राव इज अ गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज मराठी, मराठी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी विद्यासागर राव क्या है भाई? गवर्नर है। देवेंद्र फडणवीस इज अ चीफ मिनिस्टर एंड मुंबई महाराष्ट्र इज अ मुंबई मुंबई इज अ कैपिटल एंड मराठी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? व्हाट इज अ डीएलआर नंबर ऑफ महाराष्ट्र? डीएलआर नंबर क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट लोकसभा राज्यसभा। 36 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 19 है। फिर दोबारा समझिएगा, 36 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लार्जेस्ट स्टेट की बात होती है अगर एरिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, देन फिर महाराष्ट्र है, देन फिर अपना यूपी उत्तर प्रदेश आता है। ये ऑर्डर चल रहा है। फेमस डांस फॉर्म की बात करें तो लावड़ी इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ द महाराष्ट्र। ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है कि लावड़ी इज अ फेमस डांस फॉर्म। भाई प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि जो हर कोई कुछ भी कहता है, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, इस प्रकार के कमेंट अच्छे नहीं लगते। आप ये बोलिए कि ये रिक्वायरमेंट है, बट ये मत कहिए कि ये गलत है, क्योंकि मैं बता सकता हूं पर्सनल मेरी ओपिनियन ये है कि छोटी छोटी चीजें बनाते जाओ, अपने आप बड़ी चीज बन जाएगी। अब स्टेट पे आते हैं जिन स्टेट के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली की यूनियन टेरिटरी, अभी आऊंगा डिस्कस भी। अब यहां पर देखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि विधान जो मंडल होता है उसमें विधान परिषद भी होती है और विधान कह सकते हैं सभा भी होती है। यहां पर अगर मैं विधानमंडल की बात करता हूं तो उसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो यहां पर विधानसभा की सीट कितनी है? 288 है और विधान परिषद भी है। कल कुमजाडब ट्रिक डिस्कस की तो उसमें महाराष्ट्र का नाम भी था कि कुछ राज्य है जहां पर कि विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की सीट कितनी है? 78 है। तो याद रखनी है हमें, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, विधानसभा सीट कितनी है। डिस्ट्रिक्ट इतना नहीं प्रायोरिटी पर पूछा जाता, ये तो पूछा जाता है कि विधानसभा की सीट कितनी महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा 288 है एंड विधान परिषद की बात करें तो 78 सीट है। आते जरा देखते हैं और सारी चीजें। अब देखिए, इसको याद करने के लिए डैम को मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कोयना भतसा से टकराकर कहां गिर गई? भाई गिर गई वो राधा नगरी में। कोयना भतसा से टकराकर कहां गिर गई? राधा नगरी में गिर गई। फिर दोबारा, कोयना भतसा से टकराकर कहां गिर गई? राधा नगरी में गिर गई। कोयना भतसा गिरना राधा नगरी, ये सभी के सभी डैम महाराष्ट्र में। कोयना भतसा गिरना राधा नगरी, ऑल डैम्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डैम्स कहां पर, तो महाराष्ट्र। अब डैम किस रिवर पे, वो देख लेते हैं। कोयना डैम कोयना रिवर पे कभी नहीं पूछा जाएगा, भतसा डैम भतसा रिवर पे ये भी नहीं पूछा जाएगा, गिरना डैम गिरना रिवर पे ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सेम नेम है। ये पूछा जाएगा ये डैम किस स्टेट में, तो वो महाराष्ट्र टिक करना है। लास्ट वन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि राधा नगरी डैम किस नदी पर है, तो वो आपको याद रखना, ये भोगावती रिवर पे है। आई होप सो ये सारी चीजें भी क्लियर होंगी। अब चलिए बढ़ लेते हैं और सारी चीजें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट आएगी, अभी हम स्टेट कवर अप कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट गाइस, जरा देखते हैं मैप के थ्रू लोकेशन टेक्निकल टीम, जरा स्क्रीन को भाई जूम किया जाए। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी है, देन फिर गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ये अपना ऑर्डर चल रहा है, इसको देखिएगा। दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी रहा, गुजरात रहा, मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, तेलंगाना रहा, कर्नाटका रहा, गोवा रहा, इन स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अपना महाराष्ट्र। क्या है और एडिशनल पॉइंट वो देख लीजिए, सब कुछ ऐड है। अब आने वाले टाइम में इसको सिंगल प्लेटफॉर्म बना के ही छोड़ना है, अब बातों से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो भाई समझिएगा, हाईकोर्ट भी ऐड है, विधानसभा, विधान परिषद, हर कुछ चीज ऐड होने वाली है। चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, अब स्टार्टिंग के वर्ड उठा लीजिए, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, चार पांच बार रट डालिए, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा। सर क्या बात कर रहे हैं आप, पढ़ा रहे कि रटा रहे? भाई मेरे दोस्त, मैं समझा रहा हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूं यहां पर कि पढ़ना कैसे है। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, एक लाइन में रट्टा मार दीजिए, सभी के सभी नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में है। अब यहां पर आ जाइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, कोयना, तनसा, मलवान, फंसान, गोदावरी, कोयना, तनसा, मलवान, फंसायद, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सभी की सभी कहां पर है? महाराष्ट्र में। कोयना, तनसा, मलवान, फंसाद और गोदावरी, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, गोदावरी वाला, बहुत दिन से कह रहा हूं मैं एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, बट बन नहीं रहा है क्योंकि ये अभी नई बनी है, बट पता नहीं किस दिन एग्जामिनर बना दे, तो फिर भी याद रखना है कि गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना, तनसा, मलवान, फंसाद एंड गोदावरी। नेक्स्ट, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जयपुर एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये आपका महाराष्ट्र में, इसमें से जो प्रपोज्ड है वो जयपुर अभी आने वाले समय में बनेगा। लोकसभा सीट अभी मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ, 48 है, डिस्ट्रिक्ट 36 है और 19 यहां पर राज्यसभा सीट है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करते हैं, इसके चीफ जस्टिस है नरेश हरीश चंद्र पाटिल।